सुंदर पहाड़ी प्रखंड और गुड्डा प्रखंड में हाथी की वजह से नुकसान झेलने वाली पीड़ित तो शख्स को गुड्डा वन विभाग की ओर से मुआवजा दिया गया। विधायक प्रदीप यादव ने पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा संबंधित चेक और सोलर आधारित लालटेन दिया। जिले से जल्द हाथी झुंड से छूटे गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। जंगल की कटाई की वजह से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। आप सबों को हम सब तो हाथी तो मतलब स्पेशल टीम जो है हम पहले ही उन लोग को मंगवाए हैं, वही लोग जो भी हैं उसको ड्राइव किया है वही लोग किया। तो आगे अभी क्या चल रहा है? अभी मतलब टीम तो अभी है गोड्डा में और लोग उसको निगरानी रखा है और उसको ड्राइव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि विभाग ने तत्परता दिखाई है और आए दिन खास करके इस इलाके में संथालपुरा में वैसे हाथी का कहीं जगह नहीं है, लेकिन जो हाथी घूमते घूमते भ्रमणशील पशु होने के कारण आता है, बार बार इस प्रकार का नुकसान होता है। हम चाहेंगे कि इसका अस्थायी समाधान हो। वैसे जंगल का कटाव हुआ था, इस कारण जंगली जानवर बाहर आएंगे ही, लेकिन फिर भी विभाग ने अपनी तत्परता दिखाई है, प्रयास किया है। मैं सरकार और विभाग को धन्यवाद देता हूँ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।